हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसवी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ का फोर्थ ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं अमीन्स। अब अगर हम बात करें अमीन्स की या इस चैप्टर के सिग्निफिकेंस की, तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम लोग बात करें नेचर की, नेचुरली ऑब्टेन सब्सटेंसेस के बारे में, तो अमीन्स काफ़ी जगह पाया जाता है, चाहे हम विटामिन्स की बात करें, चाहे हम एल्कलॉइड्स की बात करें, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे भी अमीन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम सिंथेटिकली बात करें, जिसको हम मैनमेड बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स में, डाइज में बहुत जगह जो है अमीन्स यूज़ किया जाता है। अमीन्स का ही एक और पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है, क्योंकि हम उससे अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि आप अमीन्स से क्या समझते हैं। ठीक है, हमने बात करी अमीन्स के इम्पॉर्टेंस की, बट अमीन्स हैं क्या? तो अमीन्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया से आप क्या समझते हैं कि मतलब वो अमीन से बनते हैं। तो सबसे पहले अमीन्स क्या होते हैं? दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। और अमोनिया से कैसे बनते हैं? अमोनिया में हम लोग एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हैं एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया है। हमने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। अब हमने क्या किया, एक और हाइड्रोजन हटा दिया और एक और R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, R2NH, है ना? या तीन हाइड्रोजन थे, अगर नाइट्रोजन के पास तीन हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, आप क्या कर रहे हो, पहले एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह R लगा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, RNH2। फिर आपने एक और हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया, R, क्या बन गया, R2NH। फिर आपने क्या किया, एक और हाइड्रोजन की जगह एक और सब, मतलब हाइड्रोजन हटा के R ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब क्या बन जाएगा आपका, ये R3N। ठीक है, अब देखिए, तो अमीन्स हमारे पास क्या होते हैं, अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं, बनते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसकी क्लासिफिकेशन का। ठीक है, नॉर्मली जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं किसी अदर फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आपने हेलो अल्केन आपको याद हो, तो हम वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखते थे। ठीक है, तो अब वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखना, या अल्कोहल के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखने का तरीका अलग होता था, अमीन्स के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखने का तरीका अलग होता है। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें हेलो अल्केन की, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता था, अगर उस कार्बन का अदर कार्बन के साथ एक बॉन्ड होता था, तो हम कहते थे प्राइमरी। सेम चीज आप यहाँ पे OH ग्रुप अल्कोहल के लिए भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता था जिसके अदर दो कार्बन के साथ बॉन्ड होते थे, तो हम उसे क्या कहते थे, सेकेंडरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता था, अगर उस कार्बन के अदर तीन कार्बन के साथ बॉन्ड होते थे, तो हम उसे क्या कहते थे, टर्शरी। बट अमीन्स में ऐसा नहीं होता। जैसे हेलो अल्केन और अल्कोहल वगैरह में हम क्या देखते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के अदर कार्बन के साथ बॉन्ड देखो, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। यहां पे नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। डायरेक्ट बॉन्ड देखना है कि नाइट्रोजन का आर के साथ या कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। और यहां पे नाइट्रोजन का कितने आर के साथ बॉन्ड है, तीन, तो हम इसको बोलते हैं टर्शरी अमीन। ठीक है, तो जब हम अमीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अमीन की क्लासिफिकेशन दो टाइप से की जा सकती है। कैसे कैसे, वैसे तो तीन टाइप भी कई बार बुक में लिखी होती है, जिसमें से पहला तो यही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमारे पास दो तरीके के अमीन्स और पाए जाते हैं। एक होता है पहला सिंपल अमीन्स, क्या होता है सिंपल अमीन्स, और दूसरा हमारे पास होता है मिक्स्ड अमीन। कौन सा अमीन, मिक्स्ड अमीन्स। सिंपल अमीन्स हम उसको कहते हैं जब नाइट्रोजन के अगल बगल सेम ही एल्काइल ग्रुप हो। जैसे कि मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ सेकेंडरी अमीन की। अब क्या है कि नाइट्रोजन के इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, ये क्या है सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसका नाम क्या है डाइमिथाइल अमीन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपल अमीन में। बट अगर नाइट्रोजन के अगल बगल अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि मान लीजिए एक आ गया CH3 और एक आ गया वहां पर CH2CH3, यहां पे आ गया इथाइल ग्रुप और यहां पे आ गया मिथाइल ग्रुप, तो अब नाइट्रोजन के अगल बगल जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो गए, अलग अलग, तो इसको हम अनसिमेट्रिकल अमीन या फिर मिक्स्ड अमीन भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है अनसिमेट्रिकल अमीन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं मिक्स्ड अमीन, इसको हम सिमेट्रिकल अमीन या फिर सिंपल अमीन भी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंपल अमीन की, ठीक है, या सिमेट्रिकल अमीन की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अगल बगल जो है वो सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि मिक्स्ड अमीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के अगल बगल जो है वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो अब जैसे ये क्या है इथाइल मिथाइल अमीन, सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि एक तरफ CH3 है और एक तरफ यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है एज एल्काइल ग्रुप जुड़ गई है तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। इसके काफी पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, बट मुझे समझाना है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स की बात करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट क्या आता है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स इज ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है कि उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब अमीन्स में नाइट्रोजन क्या बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आगे जाके हम क्वार्टिनरी सॉल्ट पढ़ेंगे, वहां पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बनाता है बट वो सॉल्ट बन जाता है उसका। हम नॉर्मली अमीन की बात कर रहे हैं, अगर वो प्राइमरी है सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, ठीक है, तो वो 3 बॉन्ड बनाता है एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक उसके पास क्या रहता है, लोन पेयर। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं अमीन्स की, चाहे आपके पास प्राइमरी अमीन हो, चाहे आपके पास सेकेंडरी अमीन हो, चाहे आपके पास टर्शरी अमीन हो, नाइट्रोजन तो रहेगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p3, जिसमें हम उसको कैसे दिखाते हैं कि भाई 2px, 2py, 2pz तीनों में एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है, हुन्स रूल, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि भाई पेयरिंग तब तक नहीं करानी जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। तो अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 5। ठीक है, अब देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, 2px, 2py एंड 2pz। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कौन सा रूल,
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के। तो एस जो है वो तो फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये क्या करता है, अपनी ऑक्टेट को कम सॉरी अपनी ऑर्बिटल को पूरे करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है जिसके साथ भी, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ, आर ग्रुप मतलब कार्बन है तो उसके साथ। तो ये क्या करता है, पेयरिंग करता है, शेयरिंग करेगा, ठीक है, और तीन क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हमारा अमीन होता है, ठीक है, अमीन के अंदर नाइट्रोजन है, वो तीन बॉन्ड बनाता है और उसमें एक क्या रहता है, लोन पेयर। तो यही चीज आपको बोली गई है, क्या कि जो नाइट्रोजन एटम होता है अमीन्स में वो ट्राइवेलेंट होता है, तीन बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की और कैरी करता है अपने ऊपर एक लोन पेयर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है, लाइक अमोनिया, अमोनिया की तरह ही जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल होते हैं अमीन्स में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब आप खुद देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास पांच हैं, दो s में और एक दो तीन आपके कहाँ पे हैं, p में। इसको मैं अभी के लिए फिलहाल हटा देती हूँ। अब जब भी इसके साथ कोई बॉन्ड बनाने आता है तो ये डायरेक्टली तो बॉन्ड नहीं बनाता, ऑब्वियस सी बात है कि जो s है और जो आपके इसमें 2px 2py 2pz है, s और p की अगर हम लोग बात करें तो वो बॉन्ड ऐसे नहीं बनाता। पहले उसमें प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, फिर उसके बाद नए हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं इक्वल एनर्जी के, इक्वल शेप के, ताकि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहे, इक्वल मैग्नीट्यूड की रहे और अच्छी रहे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो इसमें तो चलो ऐसा नहीं है, बट मान लो आप एक बॉन्ड बना रहे हो उसका 2p के साथ, दूसरा बॉन्ड बना रहे हो आप उसका 3d के साथ, तो क्या बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, नहीं रहेगी जब आप अलग अलग ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहे हो। तो इसीलिए बॉन्ड बनाने से पहले हम इक्वल मैग्नीट्यूड या इक्वल स्ट्रेंथ रखते हैं, तभी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, 2s और 2p। अब देखो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4, एक s का और 3 p के, px py pz है ना। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें ज्योमेट्री कैसी होती है, इसमें ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। पर अगर आप ध्यान से देखो तो बॉन्ड तो नाइट्रोजन तीन ही बनाता है यहां पे, यानी कि उसके बॉन्ड तो यहां पे, जैसे सेंटर में अगर नाइट्रोजन है तो उसके बॉन्ड तो यहां पे तीन ही बनेंगे, कार्बन के साथ या जिसके साथ भी आप बनाना चाह रहे हैं। और जो चौथा है उस पे क्या एग्जिस्ट करता है, उस पे एग्जिस्ट करता है लोन पेयर। ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ज्योमेट्री कैसे दिख रही है, ये ज्योमेट्री आपको दिख रही है ना पिरामिड की तरह, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, पिरामिडल, ठीक है। तो क्या कहा है कि अमोनिया की तरह जो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स होते हैं अमीन्स में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, पिरामिडल, ओके, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरीके से कि आपने चार बलून्स को बांधा और उसको जमीन पे छोड़ दिया, तो तीन बलून्स जो हैं वो तो जमीन पे गिर जाते हैं और एक जो है वो बलून ऊपर ऐसे खड़ा रहता है। अब देखिए ये जो है ये लोन पेयर है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बट अगर आप इसको यहाँ से हटा दो तो क्या ये आपको एक पिरामिड की तरह नहीं दिख रहा, देखो इसकी ये वाली एक दीवार है, ये वाली एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, तो ये क्या बन जाता है, ये पिरामिडल शेप जो है या पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो शो करता है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये आप लोग लिख लीजिए, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस, एटॉमिक नंबर 7 होता है तो पहले s ऑर्बिटल में दो जाते हैं 1s में, फिर 2s में और फिर p में, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये हम लोगों ने अभी देखा था। उसके बाद है, आपको मैंने बताया भी था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s में दो है और 2p में तीन है,
ऐसे होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये ऐसे पार्टिसिपेट करता है एक एस का और तीन पी के, तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर रहे हैं? चार। तो जब मिक्सिंग में चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने मिलेंगे? चार। ठीक है, तो यहां पे बता रखा है कि इट फॉर्म्स फोर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसके बाद देखिए, फोर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाते हैं जिसमें से तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ या फिर हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि नाइट्रोजन जो है उसमें क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री से कम होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल होता है 109.5 डिग्री। अब देखो, मान लो यहाँ पे आपका CH3 है, इधर भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे लोन पेयर है। अब आपको पता है कि लोन पेयर क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सेकेंड नंबर पे आता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बात सभी को पता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर रिपल्शन तो यहाँ है नहीं, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो है ना। तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसको रिपेल करके थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करता है, जिसके वजह से एंगल 109.5 डिग्री ना होके कितना होता है, 108 डिग्री। तो आप लिख भी सकते हैं कि ट्राई मिथाइल अमीन में जो एंगल है वो कितना होता है, 108 डिग्री। उसके बाद है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी एक्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करेगा तो अमीन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।